आप हमेशा सेटिस्फाई करके उतारते हो क्लाइंट को। ओरिजिनल ओएम जगह पे आ जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारे कंपनी के जो स्पीकर आते हैं JBL के, चूंकि वेरी लिमिटेड एडिशन कंपोनेंट है, क्लैरिटी नहीं है, डिस्टॉर्शन बहुत है, और सबसे अनसैटिस्फाइड कस्टमर है हमारा फॉर्च्यूनर का, जिस कंपनी के अंदर टॉप मॉडल लेने के बावजूद भी। सो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सारे? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका कुंवर सिंह फ्रॉम जैक्स कारवर्ल। तो आपने थंबनेल में देख लिया है, तो अगेन लेजेंडर फॉर्च्यूनर आपके लिए ले आया हूं JBL एडिशन वाली ऑडियो अपग्रेड होने के लिए। तो आपने पता है कि पूरी वीडियो को एंड तक देखना तो आपको पता लगेगा कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट थी, किस चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं था कंपनी के अंदर टॉप मॉडल लेने के बावजूद भी, और कौन से स्पीकर्स मैंने रेकमेंड करे हैं वो भी मैं आपको सारा बता दूंगा। तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहो, और बढ़िया वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, पहली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और न्यू व्यूवर्स हैं आप भी कर दो, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मेरा मिलता रहे और नॉलेज मैं आपको देता रहूं कि कौन सी गाड़ी बढ़िया है, कौन सी गाड़ी में कौन सा म्यूजिक सिस्टम डालना चाहिए और कौन सा सेटअप किस गाड़ी के लिए बना है। गाइस हमारी ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर जो है ऑडियो अपग्रेड करने जा रहे हैं। एज यूजुअल ये भी JBL वाला ही मॉडल है, तो इसके अंदर जो हमारा ऑलरेडी कंपनी से जो सेटअप लगा है दैट इज JBL, आपको पता है सारा, और सबसे अनसैटिस्फाइड कस्टमर है हमारा फॉर्च्यूनर का, जिसमें JBL इंस्टॉल करके देती है कंपनी। तो क्या सेटअप लगा रहा हूँ इसके अंदर, आपको पता है फर्स्ट स्टेप होता है पहले अनरैप करते हैं पूरी गाड़ी, डोर पैनल सारा खोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेजिंग हमारी चल रही है डैम्पिंग का काम, तो अंदर चलते हैं और आपको थोड़ी सी बातें करते हैं क्या सेटअप है, कौन सी गाड़ी है, क्या कर रहे हैं, सब बताता हूँ आपको। सो गाइज फाइनली जो है फॉर्च्यूनर हमारी लेजेंडर का सेटअप जो है पूरा तैयार हो चुका है। तो अगेन आपको पता है हमेशा मेरा मोस्ट अनसेटिस्फाइड कस्टमर आते हैं जो भी जिन्होंने भी लेजेंडर लिया, स्पेशली विद द JBL ऑडियो सिस्टम। तो इसके अंदर भी JBL लगा हुआ है हमारा, और अगेन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल भी वोकल ट्रेबल से, क्लैरिटी नहीं है, डिस्टॉर्शन बहुत है। तो ऑब्वियसली हम पहले इसकी वाइब्रेशन और रेजोनेशन जो हमारी आती है वो डैम्पिंग के साथ हम इसको कि हमारी गाड़ी के अंदर कुछ भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं आए। तो अगेन हमारा सेटअप क्या है, तो सबको पता है अभी लास्ट रील में आपने देखा होगा कि मेरी डीडी ऑडी की सी सीरीज जो थी हमारी लॉन्च हो चुकी है, वेरी लिमिटेड एडिशन कंपोनेंट है, तो मैंने बोला था जल्दी से ग्रैब करो। तो ये इसके अंदर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं दो पेयर, तो अनबॉक्सिंग करके दिखाया था आपको। अरे तो बहुत ही यूनिक वारंटी कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड, और साथ में पैकिंग भी देखो, प्रीमियम प्रोडक्ट है तो प्रीमियम पैकिंग। साथ में हमारा दो मिड ड्राइवर्स हैं, दो ट्वीटर्स हैं, दो क्रॉसओवर्स हैं। तो आपको दिखाता हूँ गाइस, जो हमारा मिड ड्राइवर है ना, इसको बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है, एक एक चीज बिल्ड क्वालिटी, आप देखो कॉइल्स वगैरह कितने बढ़िया तरीके से यूज किए हैं, एंड मिड बास इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, जो हमारी मिड बास ट्रैवल होगी गाड़ी के अंदर। और कैबिन के हिसाब से बहुत अच्छे कॉम्पोनेंट मैंने सजेस्ट करे हैं, ताकि अच्छे से हम इसको रिकमेंड करें क्लाइंट को, ताकि उनको मिड बास वगैरह और वोकल ट्रैवल्स बहुत क्लियर मिले। ये दो पेयर हो गए, साथ में हमारे दो ट्विटर्स हैं, अगेन ये भी हमारी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होने जा रहे हैं, और साथ में हमारे दो क्रॉसओवर हैं, क्रॉसओवर भी आपको दिखा देता हूँ। तो क्या ये गाड़ी में हमारे इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी वो आपको सुना भी दूंगा बढ़िया तरीके से। तो अभी हम सबवूफर का इसमें ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, वो हम बाद में भी अपग्रेड करेंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी। उनकी मेन रिक्वायरमेंट है कि भैया क्लैरिटी जो है वो इन कैबिन में पूरी नहीं बन पाती, आगे आवाज अच्छी है पीछे बिल्कुल डल वॉइस हो जाती है। तो हम चारों गेट में कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। तो एम्पलीफायर कौन सा लगा रहा हूं जो इसको ड्राइव करे वो भी दिखाया था आपको। तो हमारा डीडी ऑडियो का ही D400 मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ, डी क्लास एम्पलीफायर जो इसके अंदर इंस्टॉल होगा, 4 चैनल 100 RMS पर चैनल ये हमारी आउटपुट देता है। तो ये इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं हम, और साथ में आपको पता है डीडी ऑडियो की डैम्पिंग कर रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दी है 2.2mm के अंदर, ब्लैक प्रीमियम सीरीज जो इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो जैसे ही काम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे आपको पता है स्टेप बाय स्टेप सब दिखाता हूँ, तो आपको फॉर्च्यूनर भी दिखा दूंगा। गाइज हमारे 2 लेयर डैम्पिंग का जो काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो इनर लेयर भी डैम्प कर दी है, आउटर लेयर भी पूरी डैम्प हो गई है, वायरिंग का काम चल रहा है हमारा, एम्पलीफायर जाएगा को ड्राइविंग सीट के नीचे क्योंकि डी क्लास एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। तो ये देखो पीछे की भी डैम्पिंग हो चुकी है कम्प्लीट। तो गाइज कुछ इस तरीके से हमारे कंपनी के जो स्पीकर आते हैं JBL के, ये देखो यार ये क्वालिटी देते हैं, मतलब नो वर्ड्स, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आपके सामने है, दिस इज वट कंपनी गिव, कहने को JBL का पूरा सेटअप इंस्टॉल्ड है बट बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो खैर एनीवे आपको पता है जैंक्स कार वर्ल्ड बैठे हैं आपको ऑडियो सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉपर। तो नेक्स्ट स्टेप पे एम्पलीफिकेशन आएगी, फिर आपको वो दिखाएंगे, स्पीकर प्लेस हो जाएंगे, फिर वो दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली जो है हमारे कंपोनेंट्स जो है फिट कर दिए रेन गार्ड के साथ आज यूजुअल आपको पता है, और ये रहा हमारा क्रॉसओवर ट्विटर आ जाएगा ओरिजिनल प्लेसमेंट में, और पीछे वाले में जो है ना गाइस, पीछे वाले के तो कटिंग करके आएगा, ऑब्वियसली आपको पता है कि जगह नहीं होती है, तो पीछे डोर में कटिंग करके आएगा। यहाँ पे हमारा जो है ये भी अगेन
आप देख सकते हो रेन गार्ड के साथ, ये रहा क्रॉसओवर। जो एक चीज हमें जो प्लस पॉइंट है ना गाइस, जो हमारा ये देखो, ये यहाँ पे ही जो है हमारा जो इसका ट्विटर है ओरिजिनल ओएम जगह पे आ जाएगा, आगे हमें कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस ये थोड़ा JBL की बैजिंग जो कंपनी ने दी, ऑब्वियसली JBL के स्पीकर हैं। चारों डोर में काम हो चुका है गाइस, एम्पलीफायर का जो काम है वो हमारा ड्राइविंग सीट के नीचे चल रहा है। फिर आपको सुनाता हूँ आउटपुट। सो गाइस फाइनली जो है हमारी जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर लेजेंडर तैयार हो गई है। आपने क्वालिटी आउटपुट सुन ली होगी, मैंने फटाफट से एक शूट करा, क्लाइंट बहुत ज्यादा लेट हो रहा था तो मैं उसमें वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो हेडफोन्स लगाकर सुनना, जो आपने भी अभी ऑडियो आउटपुट सुनाई है, मैंने हेडफोन्स लगाकर सुनना, पंजाबी आउटपुट आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी। गाइस लिटरली ना मतलब बहुत ही अमेजिंग सेटअप आ रहा था, जितनी मैक्स मिड पास मैं दे सकता था वो मैंने दी गाड़ी के अंदर। सब ऊफर के लिए वो मेरे से पता कर गए, वो कह रहे भैया नेक्स्ट टाइम मैं सब ऊफर भी अपग्रेड करूंगा, क्लैरिटी इज वेरी नाइस इन द कार। उनको ना पीछे जो मिडल रो वाला कैबिन था ना वहां पे उनको आवाज थोड़ी कम लग रही थी, पर जैसे ही मैंने उनको गाड़ी ट्यून करके दी, ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। उन्होंने कहा कुअर एज यूजुअल यार, जैसे मैंने देखा आप हमेशा सेटिस्फाई करके उतारते हो क्लाइंट को, तो मजा आ गया आउटपुट का। तो फाइनली अब वो चले गए हैं, तो नेक्स्ट विजिट में अब वो हमारे पास वूफर अपग्रेड कराएंगे। उत्तराखंड से आए थे बस काम कराएं, स्पेशली इट वॉज वेरी नाइस डीलिंग विद हिम। तो गाइज फाइनली अब आपको पता आपने क्या करना है, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, जितने भी फॉर्च्यूनर लवर्स क्या मतलब जो इनके पास भी फॉर्च्यूनर है और जो लेजेंडर है एनी कार जिसमें JBL लगा हुआ है, JBL नहीं भी लगा हुआ, क्योंकि फॉर्च्यूनर में मैक्सिमम ऑडियो अपग्रेड मांगता है। तो ऑडियो अपग्रेड कराने के लिए आपको कहाँ है, जैंक्स कार वर्ल्ड पे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।